साबित हो सकता है? देखिए, मैं सबसे पहले तो बताना चाहूँगा, एयर पॉल्यूशन जो है वो काफ़ी घातक है, खासकर कि उन बच्चों के लिए जो 5 साल से छोटे हैं उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इवन जो 18 साल से छोटे हैं उनके लिए भी घातक है। असल में क्या होता है, ये तमाम तरह के पॉल्यूटेंट्स होते हैं, डिफरेंट फॉर्म्स के होते हैं, डस्ट भी हो सकती है उसमें, गैसेज भी हो सकती हैं जिसमें ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ओजोन, ये सब कुछ गैसेस हैं, पार्टिकुलेट मैटर है, डस्ट है, पोलन्स हैं, इन सबसे पॉल्यूटेंट्स, ये सब पॉल्यूटेंट्स होते हैं, इनसे पॉल्यूशन होती है। तो अगर ये पॉल्यूटेड एयर बच्चे इनहेल करते हैं और अपने फेफड़ों में ले जाते हैं तो कभी कभी ये इरिवर्सिबल लंग डैमेज भी कर देती हैं, जो हमारे लंग के फंक्शंस हैं उनको इम्पेयर कर देती है। जो पल्मरी फंक्शन टेस्ट अगर हम करेंगे तो वो भी कई बार इम्पेयर्ड हो जाते हैं, कई बार ये इरिवर्सिबली इम्पेयर्ड हो जाते हैं। आमतौर पर अगर मोटी सी बात बताऊँ तो पॉल्यूटेंट्स की वजह से तमाम तरह की बीमारियों का ज़खीरा जो है वो बच्चों में हो सकता है, स्टार्टिंग फ्रॉम एलर्जिक राइनाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस, इवन दमा, ब्रोंकियल अस्थमा, ये सब चीज़ें बच्चों के ऊपर इफ़ेक्ट करती हैं। देखिए, अगर पॉल्यूशन से हमें बचना है तो सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा, दिन के जिस समय पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होती है, खासकर जिस वक्त वहीकुलर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, उस वक्त कोशिश करें बच्चों को इंडोर रखने की, कोशिश करें बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ इलाके और जहाँ पर बहुत ज़्यादा वहीकुलर ट्रांजेक्शन चल रही है, वहीकुलर मूवमेंट चल रही है, वहाँ पे बच्चों को कम से कम ले जाएं, पीक आवर्स के ऊपर थोड़ा कम बाहर निकालें। तो ये तो कुछ जनरल प्रिकॉशंस हैं। दूसरी चीज़ ये ज़रूर है कि अगर आपका बच्चा अस्थमा से ग्रस्त है, ब्रोंकाइटिस से ग्रस्त है या कोई इस तरह की उसको बीमारी है, तो आप प्रॉपर डॉक्टर से कंसल्टेशन लें, और अगर अस्थमा का मरीज़ है तो उसके इन्हेलर्स की डोजेस जो हैं, आजकल प्रिवेंटिव इन्हेलर्स आ गए हैं जिनको कि देने से अस्थमा के अटैक्स वगैरह बहुत कम हो जाते हैं, तो वो प्रिवेंटिव इन्हेलर्स दें। कुछ वैक्सीन्स भी आई हैं जिनसे कि रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस के होने के चांसेस कम है, वो भी आप डॉक्टर से बात कर सकते हैं, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो वैक्सीन के द्वारा भी रेस्पिरेटरी इलनेसेस कुछ प्रिवेंट हो सकती हैं, उनका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और डेफिनेटली जहां पर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, कुछ हद तक, बहुत तो नहीं लेकिन कुछ हद तक मास्क का भी प्रयोग किया जा सकता है, जिससे कि पॉल्यूशन के इफ़ेक्ट्स जो हैं वो बॉडी के ऊपर थोड़े कम